हाइपोकॉन्ड्रियासिस ये एक मानसिक बीमारी है और उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हाइपोकॉन्ड्रियासिस यह एक मानसिक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि वो व्यक्ति को थोड़े बहुत बॉडीली सिम्टम, मतलब शारीरिक लक्षण रहते हैं, थोड़े से कुछ ना कुछ ऐसे मामूली से, मगर उसको ऐसा लगता है कि उसको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। वो जो शारीरिक लक्षण है उसके लिए सब तरह की जांच पड़ताल की जाती है। मतलब थोड़ा सा कुछ तो भी पेट में तकलीफ है, या थोड़ा सा हाथ पैर में तकलीफ है, या थोड़ा सा कोई तो भी ऐसा एखादा, मतलब थोड़ा क्या बोलते उसको, नोड़ दिखाई देती है ना, ऐसा कुछ तो भी बहुत मामूली से ऐसा कुछ रहता है और उसको लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी है। और सब तरह की जांच पड़ताल किया, इन्वेस्टिगेशन किया, प्रयोगशाला में तपास किया, तो कुछ दिखाई देता नहीं है और उसको ऐसा बिल्कुल विश्वास रहता है कि नहीं नहीं ये शारीरिक बीमारी है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस तब बोलते हैं जब ये 6 महीने से ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। और ये लक्षण में होता क्या है कि ये रिश्तों में तकलीफ लाता है, बाधाएं डालते हैं, व्यवसाय में बाधाएं डालते हैं और बाकी जो जीवन के सब क्षेत्र में इसमें बाधाएं डालते हैं। वो जो व्यक्ति है वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है, उसके दिमाग में कंटिन्यूस बार बार वो विचार आते रहता है कि उसकी कोई तो भी शारीरिक बीमारी है और उसका कोई, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर उसका ठीक से डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रही कि क्या बीमारी है और वो डॉक्टरों के ऊपर फिर भरोसा करते नहीं है। इसके साथ साथ उनको डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, वो घूमते रहते हैं, तपास करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं और फिर उनको हाथ में कुछ आता ही नहीं। ये जो लक्षण कुछ ना कुछ है शारीरिक, मगर उसका प्रमाण जो उनको पता चलता बहुत ज़्यादा कुछ तभी है, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये साइकेट्रिक बीमारी है, उसका इलाज साइकेट्रिस्ट के तरफ ही होना चाहिए, मगर ये साइकेट्रिस्ट के तरफ जाना टालते रहते हैं। उनको लगता है कि अपने को कोई पागल थोड़ी हो गए, मैं क्या पागल हो गया हूँ, ऐसा बोलते जाते नहीं है। मगर ये लोगों को समझ लेना, इनके साथ में एम्पथाइज करना, उनको सुन लेना क्या प्रॉब्लम से उनके लाइफ में क्या डील कर रहे हैं, वो देखना भावनाओं में क्या बाधाएं आ रही है या कहाँ इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो देखना, मानसोपचार करना और कुछ डिप्रेशन एंग्जाइटी यदि होंगी तो उसके साथ साथ उसको दवाई देना ये बहुत ज़रूरी है। यदि देते हैं और साइकोथेरेपी करते हैं, सम्मोहन उपचार करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होता है। ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस, फिर सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, कन्वर्शन डिसऑर्डर, ये जो सब बीमारियाँ हैं ना, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के भाई बहन हैं, मगर इसमें बहुत अंतर है। वैसे देखा जाए तो लक्षण दिखाई देते हैं बॉडीली, मगर डायग्नोसिस है अलग अलग। तो डॉक्टर ने भी वो देखना जरूरी है कि भाई हम डायग्नोसिस कौन सा कर रहे हैं, पेशेंट को समझा के बताना जरूरी है कि भाई डायग्नोसिस कौन सा है और हम कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पेशेंट ने ना घबराते हुए उसका इलाज साइकेट्रिस्ट की तरफ करना जरूरी है। उसको ये लगता है कि भाई बीमारी है, इसका पक्का विश्वास है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है, गंभीर है ऐसा लगता है, मगर वो डिल्यूजनल लेवल पे नहीं है। डिल्यूजनल मतलब इतना ठाम विश्वास कि वो मानने को ही तैयार नहीं, ऐसा नहीं होता, मानता है, पेशेंट मान लेता है, थोड़ी बहुत इनसाइड उसको है, मगर कुछ समय के बाद में फिर बोलता है कि नहीं बीमारी है ही। तो इसका इलाज यदि करते हैं तो ये लोग ठीक हो सकते हैं, उनके लाइफ में वो अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग हमको संपर्क करते हैं, ऑनलाइन हमारी सलाह लेते हैं, नीचे दिए जो नंबर है उसमें आप हमको कॉन्टैक्ट करो, काउंसिलिंग ले लो, ताकि आप जहाँ भी हो अपने देश में वहाँ से काउंसिलिंग लेके आपका इलाज आप अच्छा कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आएगा उसके ऊपर क्लिक करो। आप यह करेंगे ना तो हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।